हेलो एवरीवन, नॉलेज ऑफ साइंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। नॉलेज ऑफ साइंस में आज हम प्लांट पैथोलॉजी में हॉर्टिकल्चर में प्लांटेशन एक क्रॉप है जो टी है उसके एक रोग के बारे में जानेंगे जिसका नाम है ब्लिस्टर ब्लाइट। जो ब्लिस्टर ब्लाइट है इसका काजल ऑर्गेनिज्म है इग्जोबेसिडियम वेगजेंस। समझते हैं इसके सिम्टम के बारे में। इसका सिम्टम ऑयली येलोइश ट्रांसलूसेंट स्पॉट अपेयर ऑन टेंडर लीफ। ये जो टेंडर लीफ हैं, ये जो नई पत्तियां हैं, यहाँ पर आपको ऑयली येलोइश कलर के जो धब्बे हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, स्पॉट आपको मिलेंगे। यहाँ पर येलो कलर इसलिए यूज किया गया है ताकि आप समझ सको, ताकि आपके माइंड में एक अलग से इम्प्रेशन पड़ सके कि किस प्रकार से हमको समझना है। यही जो धब्बे हैं वो बाद में डीप रेड साइनी ब्लिस्टर के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। ऊपर से ये धब्बे आपको चिकने दिखेंगे, मगर अंदर से ये धब्बे आपको इस प्रकार से साइनी और चिकने नहीं दिखते हैं। जो ये आपको धब्बा दिख रहा है, यहाँ पर होता क्या है, जो अंडर सरफेस है वहाँ पर आपको बल्जिंग दिखेगी और जो अपर सरफेस है वहाँ पर आपको डिप्रेशन दिखेगा। यहाँ देख सकते हो अपर सरफेस हल्का धसा दिख रहा है, मगर जो इसका अंडर सरफेस है वो हल्का उभरा दिखेगा। तो ये आपको सिम्टम देखने को मिलेगा टी में। लीफ जो है वो कर्ल और डिस्टॉर्शन कंडीशन में आपको देखने को मिलेगी, जिस प्रकार से लिटिल लीफ कर्ल ऑफ पपाया में पत्तियां मुड़ी हुई और डिस्टॉर्शन कंडीशन में दिखती हैं, वैसा आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मुड़ी हुई पत्तियां। जो नई पत्तियां सूट और बड हैं वो ज्यादा अफेक्टेड होती हैं इस रोग से और ये जल्द ही डाई हो जाती है। मैच्योर लीफ पे इसका फर्क ज्यादा नहीं पड़ता है इस डिजीज का, यहाँ आप देख सकते हैं। जो सीडलिंग में जो आपको देखने को मिलेगा परिवर्तन वहां पर होगा, जो सीडलिंग है वो स्टेंटेड आपको दिखाई देगी, छोटी छोटी कई शाखाएं आपको देखेंगी बजाय एक शाखा के, क्योंकि एक शाखा होगी तो अच्छी और स्वस्थ होगी, ज्यादा शाखाएं होंगी तो वो वीक और अच्छी नहीं होंगी। जो सीवियर नर्सरी में इन्फेक्शन आपको देखने को मिलेगा, इसके कारण पूरी नर्सरी जल्द ही डाई हो जाएगी। और जो प्रून्ड टी है, जो हाल ही में प्रूनिंग की गई है जिसकी, वो ज्यादा ससेप्टेबल रहते हैं ब्लिस्टर ब्लाइट ऑफ टी के इफेक्ट से। समझते हैं इसके इटियोलॉजी के बारे में। बेसिडियो स्पोर जो है जर्मिनेट करता है और बनाता है जर्म ट्यूब और एपिसोरियम। माइसीलियम जो है इंटरसेलुलरली ग्रो करेगी और बनाएगी हास्टोरिया और वहां से हास्टोरिया के द्वारा न्यूट्रिएंट प्राप्त करेगी। प्राइमरी हाइफा जो है सेकेंडरी हाइफा में परिवर्तित हो जाएगा और सेकेंडरी जो हाइफा है उस पे 4 से 8 कोनिडिया बनेंगे। इसके अलावा जो इग्जोबेसिडियम वेगजेंस है ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, तो अगर आपको ये ऑब्लिगेट पैरासाइट एपिसोरियम और हास्टोरिया कंफ्यूजन कर रहा है और पैरासाइट में खासकर ऑब्लिगेट पैरासाइट सेप्रोफाइट पैरासाइट ऑब्लिगेट फैकल्टेटिव पैरासाइट फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट, अगर ये नहीं चीज समझ में आती हैं तो आप यहाँ पर लिंक जो दी है इसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। हम समझते हैं डिजीज साइकिल के बारे में। फंगस टी पे थ्रू आउट द ईयर सर्वाइव करता है और बेसिडियो स्पोर विंड के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होती हैं और डिजीज फैलाती हैं। बेसिडियो स्पोर जो लीफ पे लैंड किए हैं, जो आए हैं विंड के द्वारा, वो जर्मिनेट करते हैं और जर्म ट्यूब और एपिसोरियम बनाते हैं।
और ये जो जर्मिनेटेड स्ट्रक्चर है वो प्लांट को इन्फेक्ट करेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो फंगस जो क्राप है टी का, वहाँ पर थ्रू आउट द ईयर सर्वाइव करेगा। फिर वहाँ से बेसिडियो स्पोर बनेगा, बेसिडियो स्पोर इस विंड के द्वारा ट्रांसमिट किया जाएगा और ये जो बेसिडियो स्पोर है जर्मिनेट करेगा टी प्लांट पे, और जर्मिनेशन से आपको मिलेगा जर्म ट्यूब और एप्रिसोरियम। यही जो जर्मिनेटेड बेसिडियो स्पोर है ये बाद में प्लांट को इन्फेक्ट करेगा। इस प्रकार से ये पूरी साइकिल कंप्लीट होती है। यहाँ से इन्फेक्टेड प्लांट में फिर ये फंगस, फंगस से बेसिडियो स्पोर, बेसिडियो स्पोर जर्मिनेट करेगा, जर्म ट्यूब बनाएगा, इन्फेक्ट करेगा और फिर फंगस बनाएगा। तो इस प्रकार से पूरी साइकिल चलेगी। अब जो लीफ कर्ल ऑफ पपाया जो पिछला लेक्चर हमने लिया था उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे थे, उनका आंसर देख लेते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन था लीफ कर्ल डिजीज ऑफ पपाया कॉज्ड एंड ट्रांसमिटेड बाय। तो कॉज्ड जो है ये वायरस के द्वारा कॉज होता है और जो ट्रांसमिट है ये वाइट फ्लाई के द्वारा होता है। ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन है वायरस और बेमेसिया टेबेसाई। तो ये भी सही है, ये भी सही है क्योंकि इसका साइंटिफिक नेम ये है। तीसरा है वाइट फ्लाई एंड पपाया लीफ कर्ल वायरस। ये इसलिए नहीं सही है, यहाँ पर पपाया लीफ कर्ल वायरस ठीक तो लिखा है मगर ये सीक्वेंस में नहीं है, जिस प्रकार से यहाँ ये पूछा गया है उस सीक्वेंस में नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर दो जो पूछा गया था पपाया लीफ कर्ल वायरस हैव जेनेटिक मटेरियल। तो पपाया लीफ कर्ल वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो हम बता दें आपको यहाँ पर ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है ये आपको देखने को मिलेगा और बाईपार्टाइट कंडीशन में। बाईपार्टाइट मतलब ये डीएनए जो है कम्प्लीमेंट दो भागों में बटा होगा, डीएनए ए और डीएनए बी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्वेश्चन था पपाया लीफ कर्ल वायरस आल्सो ट्रांसमिटेड बाई। तो पहला तो जो ट्रांसमिशन का मोड था वो हो गया वाइट फ्लाई। वाइट फ्लाई के अलावा ये पपाया लीफ कर्ल किससे फैलता है? मैकेनिकली, ग्राफ्टिंग, बोथ या नन ऑफ अबो। तो यहाँ पर जो ये ग्राफ्टिंग है इससे फैलता है ना कि दोनों से। तो अगर आप इस पपाया लीफ कर्ल वायरस के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस यहाँ पर लिंक दी होगी, आप इसको क्लिक करके पूरा जो डिजीज का लेक्चर है वो आप देख पाएंगे। अब शुरू करते हैं आज का जो लेक्चर है उससे संबंधित कुछ सवालों के बारे में, इनका जवाब आपको कमेंट बैक बॉक्स में देना होगा। पहला क्वेश्चन है ब्लिस्टर ब्लाइट इज एन इम्पोर्टेंट डिजीज ऑफ। तो ब्लिस्टर ब्लाइट किसका मुख्य रोग है? कॉफी का, टी का, कोकोनट का या फिर एरिका नट का। यहाँ जब हम पूछ रहे हैं तो बड़ा आसान लग रहा है मगर जब एग्जाम में आएगा तो यही आपको बड़ा कठिन लगेगा, इसीलिए प्रैक्टिस करते रहें ताकि ये चीजें आपके दिमाग में बनी रहें। दूसरा क्वेश्चन है काजल ऑर्गेनिज्म ऑफ ब्लिस्टर ब्लाइट डिजीज। तो ब्लिस्टर ब्लाइट डिजीज का काजल ऑर्गेनिज्म क्या है? बहुत पूछा जाता है। पहला है हेमिलिया वेस्टेट्रिक्स, दूसरा है इग्जोबेसिडियम वेगजेंस, तीसरा है फाइटोपथोरा पाल्मीबोरा, चौथा है नन ऑफ अबव। तो इनमें से कौन सा है सही जवाब आपको देना है। तीसरा जो सवाल है वो है हास्टोरिया ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट, मतलब कि हास्टोरिया न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व करता है। पहला है इंट्रासेलुलरली, दूसरा है इंटरसेलुलरली, तीसरा है दोनों कंडीशन में, चौथा है कोई नहीं। तो इनमें से जो सही है उसका जवाब आपको देना है कि हास्टोरिया जो है किस कंडीशन से में न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करता है। तो ये रहा आज का लेक्चर। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक और ज़्यादा से शेयर कीजिए। इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर इस ये जो हमने पावर पॉइंट आपको पढ़ाया है और ये क्वेश्चन बताए हैं अगर ये आप पाना चाहते हैं तो जो अपना नॉलेज ऑफ साइंस का चैनल टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही।
हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक दूसरे रोग या दूसरे लेक्चर के बारे में। जय हिंद।